CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नवजोत कौर सिद्धू ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हलके में उन्होंने 95% काम पूरा कर लिया है। दुख बस इस बात का है जो मुख्य मकसद हलके के लोगों को नौकरी नहीं दिला पाए। 10,000 फाइलें तैयार की हुई थी हलके के लोगों को घर घर नौकरी की योजना के तहत, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने फाइलों पर साइन नहीं किए। नहीं तो किसी उम्मीदवार ने पूर्वी हलके में हमारे सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करनी थी। हमारा प्रोजेक्ट अभी भी तैयार है, सरकार आने पर 6 महीने में 10,000 नौकरियां हलके के लोगों को दी जाएगी। मजीठिया पूर्वी और मजीठा दोनों जगह से हार रहा है तो वह लोगों को अब धमका रहा है क्योंकि वह वहां फंस गया है। मैं हलका पूर्वी से ही प्रचार करूंगी, नवजोत सिंह सिद्धू और हलकों में भी प्रचार के लिए जाएंगे। जैसे था वैसे ही है, उससे ज़्यादा बढ़ के है क्योंकि अब तो नियरली 95% काम हम पूरे कर चुके हैं जो लोग हमसे उम्मीद करते थे। हाँ, दुख इस बात का है जो सरप्राइज़ इनको देना चाहते थे, जो मेन मकसद था हमारा नौकरियों वाला, वो नहीं पूरा कर पाए क्योंकि फाइल्स नहीं साइन हुई। नहीं तो इस बार बाहर ही ऐसी होनी थी कि किसी और को ईस्ट में आने की हिम्मत भी नहीं करनी थी किसी ने। मैम ये बताइए कि 2017 में घर घर नौकरी की बात चल रही थी, घर घर नौकरी हमारी तैयारी थी, हमारी फाइल भी तैयार थी, 10,000 नौकरी सिर्फ अमृतसर ईस्ट के लिए। अब कैप्टन अमरिंदर ने साइन नहीं किया, उसके लिए उनको, आपको पता है, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारा प्रोजेक्ट तैयार है और सिर्फ CM साहब के साइन चाहिए। और स्विट्जरलैंड से गंडोला का प्रोजेक्ट आया हुआ है, मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ, पूरी 100% क्लियर है और उसमें फर्स्ट डे 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, पहले दिन 10,000 नौकरी मिलेगी। पापी के चैनल्स के माध्यम से आजकल वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और प्रॉब्लम ये हो गई है कि मजीठा भी हार रहा है इसलिए उधर को भी भाग रहा है, बस थ्रेट कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, उनके आके धमका रहे हैं। तो लोगों को बस एक ही शिकायत है कि जी ये मैम आप पुलिस को कह के बंद करवाओ। अच्छा मैडम, चन्नी साहब नहीं, वो रोज आई थिंक एवरी सेकेंड डे जाते हैं, जहाँ जाते हैं क्योंकि पहले रैलीज अलाउड नहीं थी, छोटे मीटिंग्स अलाउड थी, बहुत ज़्यादा प्रेस कवरेज उनकी नहीं हुई और बड़ी रैलीज अभी शुरू नहीं हुई, अपने अपने कैंडिडेट्स अभी अपनी अपनी काम पे लगे हुए हैं। सो ऐसा कुछ है नहीं, जहां कोई बुलाता है वहां जाते हैं वो, आपने आपको पहला ही पता है उनका। एक जब CM कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो उसको चुनौती नहीं रहती, अपनी दो दो सीटों से उनके लोग फाइट कर रहे हैं वहां पे। तो एक तो हमारा फैमिली का कोई भी मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं है, एक क्लैरिटी है। मैं यहाँ हूँ, वो घूम रहे हैं, वो आज भी गए हुए हैं, सो पता नहीं किसने बुलाया था, सुबह फोन आया, मजीठा फंस गया है बेचारा, निकल नहीं रहा यहाँ से, वहाँ भी हार रहा है, यहाँ भी हार रहा है, अपना फिक्र कर। बार-बार कह रहे हैं कि आप उनको वोट डालें।